दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नाइट सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट हो गया जिसमें सैमसंग के S23 सीरीज के 3 स्मार्टफोन आ गए। 6 तारीख को पोको X5 प्रो भी इंडिया जाएगा। पोको X5 भी होगा बट वो ग्लोबल सीरीज जाएगा, ठीक है, इंडिया अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। बात रह जाती है रियलमी की। रियलमी का फ्लैगशिप Realme GT Neo 5, ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा और इसका लॉन्च डेट आ गया ऑफिशियल और उसके बाद ये इंडिया भी आने वाला है। सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पसंद आया लाइक में तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। वैसे स्मार्टफोन इसमें कहा जा रहा है 2 स्मार्टफोन आएंगे, एक 150 वाट वाला होगा जो कि Dimensity 8200 के ऊपर आएगा जिसकी प्राइस 30,000 के नीचे होने वाली है। इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, इंडिया में क्या प्राइस हो सकती है। एंड दूसरा होगा 240 वाट वाला, ये आएगा आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के ऊपर और इसकी प्राइस आपको 35,000 से 40,000 के बीच में मिलेगी। अब ये जैसे 2 वेरिएंट होंगे, अब इसमें कितने चाइना में जाते हैं कितने इंडिया में आते हैं अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। टीज उन लोगों ने 240 वैट वाला करना चालू कर दिया है, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। बात भी हम 240 वैट वाले की करेंगे इस वीडियो में। 9 तारीख को 9th of Jan को लॉन्च होने वाला चाइना में, कहा जा रहा है फेब मंथ में पॉसिबली ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, जो लीक्स है उससे पता चल रहा है ऐसा ही। एंड क्या स्पेसिफिकेशन होंगे इसमें आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड का या ओलेड का पैनल कह लो 144Hz वाला देखने को मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, इसके बाद बात करते हैं। रियर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा रहेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा और सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है, मतलब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें, इश्यूज नहीं आएंगे। चिपसेट जैसे मैंने कहा 2 वेरिएंट है, जो 150 वैट वाला रहेगा कहा जा रहा है वो Dimensity 8200 के ऊपर आएगा जो पोको F5 को कम्पीट करने आएगा। जो 240 वैट वाला रहेगा ये स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के ऊपर आएगा जो कि पोको F5 प्रो को इंडिया में जो आएगा उसको कम्पीट करने के लिए आएगा। ये दोनों रियलमी एंड पोको की तरफ से स्मार्टफोन होंगे। चलिए जैसे, और हाँ, दोनों आपको एंड्रॉइड 13 के ऊपर आने वाले हैं जो कि उनका खुद का रियलमी UI 4.0 उसके साथ आने वाला है, तो थोड़े से ब्लोटर्स रहेंगे जो कि आप डिलीट करवाओगे, परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तगड़े स्कोर वाले गेमिंग सब कर लोगे, इश्यूज नहीं आएंगे। देन इसके बाद कैमरा की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा रहेगा, 50+8+2 मेगापिक्सल का OIS के साथ आएगा, सोनी का सेंसर रहेगा, 4K और के सब कर पाओगे, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहेगा एंड सारी चीजें कर लोगे, रियर से 4K, फ्रंट से 1080, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, इश्यूज नहीं आएंगे। कैमरा सेगमेंट भी सही होने वाला है, 4600mAh की बैटरी होगी। जैसे मैंने कहा 2 फास्ट चार्जर्स आपको मिलने वाले हैं, एक वेरिएंट होगा 150 वैट के फास्ट चार्जर, दूसरा होगा 240 वैट वाला। 240 वैट वाला कह रहे हैं कि अगर ये 30 सेकंड चार्ज करते हो तो 2 घंटे आराम से कॉल कर सकते हो किसी को भी, जो कि अच्छी चीज़ है। कहा जा रहा है 20 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज करके आपको ये 4600mAh की बैटरी दे देगा एंड प्रॉब्लम आने वाला नहीं। चलिए अच्छी बात है, इसके बाद सेंसर्स की बात करते हैं। आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे इश्यूज नहीं रहेगा। एक्सपांड नहीं कर पाओगे, UFS 3.0 LPDDR5 के साथ आएगा, 8GB 128GB का जरा बेस वेरिएंट होगा। जैसे मैंने कहा जो Dimensity 8200 के ऊपर आएगा इसकी प्राइस 30,000 के आसपास हो सकती है, जो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के ऊपर होगा उसकी प्राइस 35,000 से शुरू होगी। जैसे मैंने कहा 9th of Jan को ये लॉन्च होने वाला है चाइना में, उसके बाद पॉसिबली कहा जा रहा है फरवरी के मंथ में इंडिया में भी आएगा। वेट करोगे नहीं इसका जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक में तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो बैक में इसको पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।